how to identify your passion. See, अगर आपको अपने passion को पहचानना है, there are a lot of techniques. मैं एक technique पर बात करता हूँ, that is identify your why first. What does that mean? See, whatever you want to do in your life, first the most important question जो आपको अपने आप से पूछना है कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ. अगर आप उस क्यों का आंसर properly आइडेंटिफाई कर पाए तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड में आई कैन बेट बहुत अमेजिंग सी ग्रोथ लेने वाले हैं और बहुत कुछ बड़ा उस पर्टिकुलर फील्ड में करने वाले हैं. देखिए क्यों, देखिए जब आप अपने किसी भी फील्ड को आप पकड़ते हैं और उसका वाई आपको बहुत ही प्रॉपर वे में क्लियर है, बहुत ही स्पेसिफिक कुछ आप ऐसे आइडेंटिफाई करिए कि यार ये पर्टिकुलर फील्ड में मैं अपना करियर बनाना चाहता हूं, इस पर्टिकुलर फील्ड में अगर मैं अपना करियर बनाता हूं तो मैं क्यों बना रहा हूं. और इस क्यों को अगर आप दो लाइन में डिफाइन कर पाते हैं तो दैट इज डेफिनेटली प्रूव दैट आपका वाई क्लियर है. अगर आपका वाई क्लियर है तो देखिए वहां पर सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड में जब आपका वाई क्लियर हो जाता है तो आप उसमें रेडिकल फोकस के साथ मेहनत करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे करना क्या है और क्यों मैं कर रहा हूं. कोई भी सी, अगर आप अपने आप जिम में जाते हैं पर आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो आप जब अंदर से आपका वाई क्लियर होगा कि मुझे ये चीज करनी है तभी आप रेगुलर जिम जा पाएंगे. मेक सेंस? सो आप सोचिए कि अगर लाइफ में भी ऐसा ही होता है, अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी पर्टिकुलर फील्ड को पकड़ रहे हैं और अगर आपका उसमें वाई क्लियर है डेफिनेटली आप उसमें ग्रो करने वाले हैं, डेफिनेटली आप उसमें फोकस करने वाले हैं, डेफिनेटली आप उसमें कुछ ऐसा करने वाले हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, जो मैसिव सक्सेस जिसे हम कह सकते हैं.